नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, बिजनेस सीरीज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि किसी बिजनेसमैन या किसी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है। उम्मीद है आपने वो देखा होगा और उम्मीद है कि आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया होगा। साथियों, कुछ लोगों को बिजनेस सीरीज को लेकर कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको एक क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके पहले भी उज्जवल पाटनी मोबाइल ऐप पर और उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर 50 से भी ज़्यादा वीडियोस बिजनेस पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बिजनेस सीरीज का अर्थ ये नहीं है कि इसके पहले कोई बिजनेस का वीडियो नहीं है। बिजनेस सीरीज का अर्थ ये है कि इसमें एक सेशन में मैं एक छोटी सी बात उठाऊंगा। ये बात वही होगी जो मैं अपने एक्सीलेंस गुरुकुल नाम के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में करता हूं। यदि आपको ये बात अपील करे और यहीं से आपका काम बन जाए तो ठीक, यदि ना बने तो आप देश के जिस भी शहर में मेरा एक्सीलेंस गुरुकुल नाम का एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोग्राम हो रहा हो या VIP नाम का प्रोग्राम हो रहा हो, उसको आप अटेंड करिए। ये इस वक्त दिल्ली में, कोलकाता में, अलग अलग शहरों में चल रहा है। ये सारी जानकारी आपको फेसबुक से मिल जाएगी। यदि आपको लगता है वीडियो से ही आपका काम बन गया तो फैंटास्टिक, आपको प्रोग्राम में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि लगता है नहीं, इससे मेरी खाली ईगरनेस बढ़ी है, मेरे सपने अब बड़े हो गए हैं, मैं बड़ा ग्रो करना चाहता हूं, तो फिर आपको मेरे क्लोज कांटेक्ट में आना पड़ेगा और प्रोग्राम का हिस्सा बनना पड़ेगा। साथियों, आज बिजनेस सीरीज के इस वीडियो 2 का जो मूल पर्पस है वो ये डिफाइन करना है कि हम राइट व्यापार में है कि नहीं, हम राइट करियर में है कि नहीं। मैं आपसे सालों पुराना प्रश्न करना चाहता हूं जो हर आदमी करता है लेकिन जिसका आंसर कोई ठीक से नहीं देता। मेरा प्रश्न ये है, Do you love your business? क्या आप अपने व्यापार से प्यार करते हैं? क्या आप अपने करियर से प्यार करते हैं? प्रॉब्लम यह है कि कई लोग स्टील प्लांट चला रहे हैं लेकिन जब भी उनसे मिलो वो स्टील इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोलते हुए मिलते हैं। कई लोग ट्रेवल एजेंसी चला रहे हैं लेकिन जब भी उनसे मिलो वो मेक माई ट्रिप या गोवा आई वो जैसी चीजों से कॉम्पिटिशन की बात करते रहते हैं। कई लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो बोलते हैं कंपनियां डायरेक्ट पहुंच जाती है, अब तो हमारे लिए स्कोप ही नहीं रहा। कई लोग व्यापार कर रहे हैं, रात दिन उसमें दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद उससे वो नाखुश हैं, उससे वो नाराज हैं, वो अपने व्यापार पे गर्व नहीं करते, वो अपने व्यापार के बारे में लोगों से बात नहीं करते, वो आगे बढ़ने के लिए नए दरवाजे नहीं ढूंढते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आप किसी चीज से प्यार नहीं करेंगे तो उसको बड़ा कैसे करेंगे? मैं उज्जवल पाटनी आपके सामने खड़ा हूं, मैं किस चीज से प्यार करता हूं? मैं प्यार करता हूं जब मेरी संगत में आके लोग बड़े होते हैं। एंटरप्रेन्योर बड़ा होता है, उसके 20 स्टाफ था, मेरी वजह से 50 हो जाता है, मेरी कंसल्टेंसी से 100 हो जाता है, 200 हो जाता है, उसका एक यूनिट था 2 खुल जाता है, 3 खुल जाता है, वो ग्रोथ मोड में आ जाता है, उसके यहाँ के लोगों की सैलरी बढ़ती है, उनकी सैलरी बढ़ती है तो उसके घर में खुशियाँ आती है, उसके बच्चे बेहतर स्कूल में जाते हैं और जाने क्या क्या होता है। तो मैं जब एक एंटरप्रेन्योर को ग्रो कराता हूं तो मैं एक्चुअली 100, 200, 400 परिवारों को ग्रो कराता हूं। अब मान लीजिए, अब मैं इससे प्यार करना छोड़ दूं, मेरे को लोगों की ग्रोथ से प्यार ना हो, तो क्या मैं अपने करियर के साथ न्याय कर पाऊंगा? मैं तो फर्स्ट प्रोफेशन से एक डॉक्टर था, सर्जन था, मैंने ये करियर चुना इसलिए क्योंकि मैं इससे ज्यादा प्यार करता था। मुझे लोगों को ग्रो कराने में, उनको इंस्पायर कराने में बहुत मजा आता है। मैं रात को 12 बजे भी किसी को इंस्पायर कर सकता हूं, सुबह 5 बजे भी किसी को इंस्पायर कर सकता हूं, मैं सुबह 5 से रात 12 हर टाइम अलॉट कर देता हूं। लेकिन सोच के देखिए, यदि आप मेरे से मिले और आप पूछें पाटनी साहब कैसा चल रहा है, मैं बोलूं यार बेकार बिजनेस है, बहुत ट्रेवल करना पड़ता है। अब कोई पूछे पाटनी साहब मजा आ रहा है? अरे क्या मजा है यार, हर रोज नई इंडस्ट्री, नए चैलेंजेस, नए ऑडियंस, रोज इतना पढ़ना पड़ता है, रोज इतना सीखना पड़ता है। यदि मैं लगातार अपने काम के बारे में नेगेटिव सोचूं, नेगेटिव बोलूं, तो क्या मैं इसको बड़ा कर पाऊंगा? तो इसका प्रथम इन्फ्लुएंस तो यह है कि मैं अपने व्यापार से प्यार नहीं करता। यदि आप अपनी संतान से प्यार करते तो आप उसका उल्टा तो नहीं सोचेंगे? यदि आप अपनी पत्नी या पति से प्यार करते तो आप उल्टी बात तो नहीं करेंगे? तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, अक्सर वो प्यार आपके शब्दों में, आपके कार्यों में, आपके विचारों में झलकता है। यदि आप अपने व्यापार से प्यार नहीं करते तो आप अपने व्यापार के बारे में नेगेटिव बोलेंगे। जहां भी अपने व्यापार के बारे में बोलने की बात आएगी, आप सिर्फ चैलेंजेस की बात करेंगे, हर्डल्स की बात करेंगे, मार्केट सिचुएशंस की बात करेंगे, मंदी की बात करेंगे, रिसेशन की बात करेंगे। लेकिन यदि आप अपने व्यापार से प्यार करते हैं तो आप न सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, आप ग्रोथ की बात करेंगे, आप रोल मॉडल्स की बात करेंगे, आप आइकन्स की बात करेंगे, आप नई यूनिट्स की बात करेंगे, आप एक्सपेंशन की बात करेंगे, आप
क्लास एम्प्लॉयज़ की बात करें, दोनों के टॉपिक ही पूरे अलग हैं। तो अपने आप से एक ईमानदार प्रश्न करिए, क्या मैं अपने व्यापार से प्यार करता हूँ? बिजनेस सीरीज का दूसरा वीडियो ये इस विषय पे इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यदि आप अपने व्यापार से प्यार नहीं करते तो आगे की सारी चर्चा आपके लिए बेकार है। आपको आगे मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आप अपने व्यापार से प्यार नहीं करते तो मैं आपके पीछे अपनी जान भी लुटा दूं तो भी आप अपने व्यापार को बड़ा नहीं करते। क्योंकि मैं तो एक तरफ से बता सकता हूं, मैं जो महीने में 20 दिन टॉक करता हूं, लाखों लोगों को एड्रेस करता हूं, बड़े बड़े सीईओ एंटरप्रेन्योर से मिलता हूं, मैं उनसे क्या सीखा, क्या जाना, उस एक्सपोजर से क्या समझा, वो आपसे शेयर कर सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट तो आपको करना, और यदि आप प्यार नहीं करते तो आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? तो आपको मेरे मोबाइल ऐप या यूट्यूब चैनल पे आके पूरा लिखना है कि मैं अपने व्यापार से प्यार करता हूं, यस कि नो, और मैं अपने व्यापार से प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि यदि आपको अपने व्यापार में वैल्यू नजर नहीं आती, एक मेडिकल स्टोर वाला बोले यार सुबह से रात तक बैठना पड़ता है, लेकिन उसको प्यार होना चाहिए, क्योंकि लोग जब इमरजेंसीज में रहते हैं तो वो दवाई देता है उनको, वो जब ऑर्गेनाइज रहता है उसके साथ आसपास खूब सारी उसकी दवाइयाँ होती है, तो कई बार कई प्रेस्क्रिप्शन को कोई मेडिकल स्टोर वाला ऑनर नहीं कर पाता, तो लोग बोलते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ जरूर मिलेगी, तो लोग बिलीव से आते हैं। एक वकील अपने काम से प्यार नहीं करेगा तो अपने क्लाइंट का केस कैसे जीतेगा? एक डॉक्टर सर्जरी से प्यार नहीं करेगा तो सर्जरी करते हुए पेशेंट की जान बचाने उसको रस कैसे आएगा उसमें? वो ऑपरेशन चाहे 4 घंटे चले, चाहे 8 घंटे चले, चाहे 12 घंटे चले। एक व्यापारी यदि अपने व्यापार से प्यार नहीं करेगा तो उसको उसके व्यापार के बारे में कितने नए रास्ते सुझा दो, कितनी अपॉर्चुनिटी दिखा दो, वो क्यों स्वीकार करेगा? उसको प्यार ही नहीं है। तो साथियों, अहम प्रश्न ये है कि प्यार करते कि नहीं, ये जज कैसे करेंगे? तो आपको पहले अपने आप से पूछना है, यदि कोई मेरे से व्यापार के बारे में पूछता है तो मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या मैं बोलता हूँ ग्रेट है, शानदार है, जबरदस्त है? जब कोई मेरे से सिमिलर व्यापार का व्यक्ति मिलता है तो मैं हमेशा उससे उल्टी और नेगेटिव बातें करता हूँ, या उससे अपॉर्चुनिटीज की बातें करता हूँ, पॉसिबिलिटीज की बात करता हूँ। जब कोई कंसल्टेंट मुझसे मिलने आता है, या शहर में कोई सेमिनार हो रहा हो, या कोई ग्रोथ का प्रोग्राम हो रहा है, तो मैं ये सोच के घर बैठ जाता हूँ यार अपने व्यापार में तो कुछ नहीं हो सकता, या मैं जाता हूँ यस और सीख के आते हैं और इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जब एम्प्लॉयज से बात करता हूँ तो मैं अक्सर प्रॉब्लम यार सब खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है बोलता हूँ, उनको बोलता हूँ यार हम बढ़ सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं। आप नॉर्मली किस भाषा का उपयोग करते हैं, यह आपको अपने आप से पूछना है। आप अपने बिजनेस के बारे में जब सोचते हैं तो आपको लगता है मैं पूरा जीवन दे सकता हूँ, या आपको लगता है यार जो नया लाइन मिल जाए मैं वो कर लूँ? कई लोग एक काम कर रहे हैं, 4 लाइन के बारे में सोचते रहते हैं। भाई यदि आप अपनी लाइन से जस्टिस नहीं करोगे तो क्या गारंटी आप दूसरी लाइन से जस्टिस करोगे? तो अहम प्रश्न ये है कि आप प्यार करते हैं? क्योंकि यदि आप प्यार नहीं करते तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप रिसोर्स वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एज वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी रेप्यूटेशन वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने गुडविल वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिंदा ऑर्गेनाइजेशन और मुर्दा ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग नजर आते हैं, जिंदा होटल और मुर्दा होटल अलग नजर आता है, जिंदा रेस्तरां और मुर्दा रेस्तरां अलग नजर आता है, जिंदा मिठाई की दुकान और मुर्दा मिठाई की दुकान अलग नजर आती है। आप किसी जगह जाके फील कर सकते हैं जगह चलती है कि नहीं चलती है। तो यदि आप खुद जिंदा नहीं है तो आपका व्यापार कैसे जिंदा होगा? आपका व्यापार जिंदा नहीं होगा तो क्लाइंट आपके यहाँ क्यों आएगा? क्लाइंट आपके यहाँ जब नहीं आएगा तो आपका व्यापार वैसे ही मर जाएगा, और आप बोलेंगे मेरा व्यापार मरा हुआ है, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे शुरुआत आपसे हुई है, आपने उसके पालन पोषण में उसको बड़ा करने में पूरा ध्यान नहीं दिया। तो आज एक ईमानदार प्रश्न आपको अपने आप से करना है, क्या मैं अपने व्यापार से प्यार करता हूँ? क्या मैं अपने करियर से प्यार करता हूँ? यदि प्यार करते हैं तो मेरे बिजनेस सीरीज के आने वाले वीडियोस आपका बहुत साथ देंगे, और आज से प्यार करता हूँ की तरह ट्रीट करना शुरू कर देना। कोई आपसे आपके व्यापार में बात करें खूब ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करना, अपने काम के बारे में बताओ तो ऐसे बताना ऐसा लगे दुनिया में इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है, बाकी सब छोटे हैं इसके आगे। तो इतना उत्साहित हो जाना, इतना एनर्जेटिक हो जाना कि बाजू वाला आदमी सोचने लग जाए इसके धंधे में चला जाऊँ, इसका करियर मैं अपना लूँ। आज से ये चेंज आपको अपने भीतर लाना होगा। और यदि आप अपने व्यापार से प्यार करते हैं तो फिर अपनी टीम की ओर देखिए, वो भी उस बिजनेस से प्यार करती है, आपकी टीम भी उस करियर से प्यार करती है। मालिक प्यार करता है लेकिन उसके 15 स्टाफ हैं, वो 15 स्टाफ परेशान है, अरे ये तो बेकार काम है, अरे इसमें तो ये नहीं। आप कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हों, यदि आपकी टीम ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो बड़ा नहीं होगा काम। आप कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हों, आपकी टीम को लगातार प्रॉब्लम नजर आती है तो काम बड़ा नहीं होगा। आप कितने भी खुश मिजाज हो, आप जब बिजनेस के बारे में बात करते हो सुपर एक्साइटमेंट से बात करते हैं, लेकिन आपकी टीम जब बात करती तो मुर्दा बात करती है। तो अपनी टीम को चार्ज करिए। तो पहला, अपने आप से पूछिए क्या मैं प्यार करता हूँ।
दूसरा अपनी टीम से पूछिए क्या आप लोग अपने काम से प्यार करते हैं। हो सकता है कोई सेल्स वाला बंदा बोले सर मैं सेल्स में नहीं रहना चाहता, मैं इससे प्यार नहीं करता, उससे पूछो क्या करना चाहते हैं। वो बोलेगा कि सर मैं एचआर में आना चाहता हूँ, ठीक है एचआर में आ जा। कोई बोले सर मैं जो कर रहा हूँ मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को आप कंपनी में ये वाली डेजिग्नेशन या डोमेन दे दोगे तो सर आई विल इंजॉय। हर आदमी को वो काम दो जिसमें वो इंजॉय करता है। दो ही रास्ते, या तो आप अपने काम को प्यार करना शुरू करो या वो काम करो जिससे आप प्यार करते हो, तीसरा रास्ता कुछ नहीं। और ये ध्यान रखना, जैसे ही हमें लाइन बोलते हैं ना या वो काम करो जिससे प्यार करते हो, तो लाइन चेंज करने की बात आती है, और लाइन चेंज करने की बात आती है तो फिर 100 प्रश्न और आ जाते हैं कि उस नई लाइन के लिए आपका स्किल है कि नहीं, क्या ठिकाना है उसमें, थोड़े दिन बाद जाके आप बोर हो गए तो जिस भी व्यक्ति को लाइन चेंज करना है वो मेरा एक वीडियो पहले देखे, क्या आप कैरियर बदलना चाहते हैं, ये मेरा एक वीडियो है, मोबाइल ऐप उज्ज्वल पाटनी पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप इसको पहले देखिए। करियर बदलना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने करियर बदला सोच के जोश में आके आप मत बदल लीजिए, पूरा कैलकुलेशन लगता है, पूरी स्ट्रेटेजी लगती है, पूरी प्लानिंग लगती है। उन सब के पहले पहला प्रश्न, क्या मैं अपने व्यापार से प्यार करता हूँ, इसको ईमानदारी से आज से पूछिए। यदि प्यार नहीं करते हैं लेकिन यही व्यापार करना है तो करना शुरू करिए, और कल से वैसे बिहेव करिए जैसे आप प्यार करते हैं। घर में जिस सदस्य आप प्यार करते हैं आपके बात करने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका अलग रहता है, वो थोड़ा नखरा भी करता है तो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसकी जिद पूरी करते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। जिस आदमी को आप पसंद नहीं करते ना तो उसकी एक लाइन अच्छी लगती है, ना उसकी कोई जिद अच्छी लगती है, ना कोई उसकी इच्छा अच्छी लगती है। तो यदि आप प्यार करेंगे तो अपने व्यापार के बारे में सोचेंगे, अपने व्यापार क्या चाहता है इस दृष्टि से सोचेंगे, व्यापार की इच्छाओं को पूरा करेंगे, व्यापार के लिए जिद करेंगे। तो ये ईमानदार क्वेश्चन हर बिजनेसमैन को अपने आप से पूछना है, भले वो 10 साल पुराना हो गया हो, भले वो 20 साल पुराना हो गया, 30 साल पुराना हो गया। रो रो के बिजनेस मत करो, हंस के करो, मुस्कुरा के करो, आनंद में करो, उत्साह से करो, नहीं तो मत करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बहुत बड़ा प्रश्न है, सिंपली मत लेना, एक पूरा पन्ना उठाना और लिखना मैं अपने बिजनेस से क्यों प्यार करता हूं। हो सकता है 50 मैं लोगों की ये जरूरत पूरी कर पाता हूँ, इससे मेरे को रिकॉग्निशन है, इससे मेरे को अर्निंग है, इसमें अपार पॉसिबिलिटी है, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। ऐसे 25-50 चीज़ें लिखिए, एक दो पन्ने भरने चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा आप व्यापार से प्यार करते हैं। तो साथियों बिजनेस सीरीज के सेकेंड वीडियो पे इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा, इम्प्लीमेंटेशन बिना सब सुना। और लाखों की तादाद में आप लोगों ने उज्ज्वल पाटनी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है, यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तो भारत की तरक्की के बारे में सोच के बहुत खुश हूँ कि इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, मतलब कितने लोगों में बड़ा होने की इच्छा है। तो यदि आपको और क्लोज कॉल चाहिए तो आप जरूर एक्सीलेंस गुरुकुल में आइए, VIP में आइए, जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, और अपनी सक्सेस के टाइम को कम करिए। आप ये वीडियो सुन सुन के 4 साल में सक्सेसफुल होंगे, 5 साल में होंगे, आप वहाँ पर आएंगे तो वही ग्रोथ आप 6 महीने में हासिल करेंगे, 3 महीने में हासिल करेंगे। नॉलेज का इन्वेस्टमेंट बनाइए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज को जानता हूँ, जिनके जीवन, जिनके व्यापार, जिनके करियर में इन प्रोग्राम से क्रांति आई है। अब या तो आप घर बैठ के धीरे 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 डोज लेके बढ़िए, या हमारे साथ क्लोज आइए और फास्ट बढ़िए, चुनाव आपका है। लेकिन कोई भी चुनाव करो, प्रश्न ये करना है क्या मैं अपने व्यापार से प्यार करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।